दोस्तों राजस्थान के एक खूबसूरत शहर के अंदर एक खूबसूरत सा कॉलेज है जयपुर के अंदर, जिसका नाम है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। दिस इज सिचुएटेड इन पिंक सिटी जयपुर। कॉलेज की अगर बात की जाए, इसको एस्टैब्लिश किया गया था सन 2012 के अंदर। ऑलमोस्ट इसका फाइलिंग वगैरह 2013 के अंदर कंप्लीट हो चुका था। अभी 2013 से ये चल रहा है कॉलेज, और आज 2023 अभी चल रहा है। हालांकि अगर यहाँ पे प्लेसमेंट एंड कोर्सेज एंड स्टूडेंट रिव्यूज एंड बहुत सारे ऐसे हम कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके साथ ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या आपका फ्यूचर होने वाला है, और आखिरकार ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजों का क्या हाल अभी चल रहा है, देश दुनिया की सारी खबरें जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों अगर कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज के अंदर बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि बीटेक, बीबीए, बीडीएस एंड बी फार्मेसी एंड डॉट ऑफ कोर्सेज, चाहे वो यूजी कोर्सेज हो, चाहे वो पीजी कोर्सेज हो, चाहे वो पीएचडी हो, बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट कराए जाते हैं। कॉलेज काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। हालांकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक भी आया है, कुछ स्टूडेंट का अच्छा मानना है, कुछ का बुरा भी मानना है। यूनिवर्सिटी का कल्चर कैसा है, क्या वहाँ पे कोई इवेंट वगैरह कराए जाते हैं, क्या स्टूडेंट के लिए कोई फेस्टिवल होता है, क्या वहाँ पे कोई इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया गया है, क्योंकि फ्यूचर है स्टार्टअप्स का और अभी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे कॉलेजों के अंदर नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, शार्क टैंक जैसे शोज के अंदर जाके फंडिंग लेके देश का नाम कर रहे हैं। तो यार बात करें इस यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जा रहे हैं। प्लेसमेंट सेशन की अगर बात की जाए, दिस इज एन लोकल कॉलेज, ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर बहुत कोई बड़ा कॉलेज नहीं है कि जिसका पूरी देश दुनिया में नाम हो। ये एक जस्ट लाइक लोकल टाइप कॉलेज है राजस्थान के अंदर। इसके अंदर एडमिशन बच्चे ऑलमोस्ट एडमिशन रीप के थ्रू होते हैं, इसके साथ ही यूनिवर्सिटी जेई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू भी एडमिशन लेती है। इसके साथ ही इस बार कॉलेज जो एडमिशन CUET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी ले रहे हैं, जिस कारण हम इसका रिव्यू वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके। आप CUET एंट्रेंस एग्जाम देके भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। राजस्थान का एक काउंसलिंग प्रोसेस चलता है जिसको रीप बोला जाता है। रीप का आप एग्जाम, रीप की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करके जेई मेन और ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे भी आप यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर अदर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप CUET, CLET, CMAT एंड मेनी मेनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही प्लेसमेंट सेशंस की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। जैसा कि 2023-2022 के अंदर मार्केट रिसेशन के कारण बहुत ही कम बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। हालांकि यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारी कंपनियों की रिक्रूटमेंट होती है जो वो विजिट करती है। यहाँ पे अगर प्लेसमेंट की बात की जाए, ओवन एन एवरेज 2 से 3 LPA तक का प्लेसमेंट मिल जाता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द लोकल्स एंड जस्ट लाइक राजस्थान, सीकर, जयपुर एंड भीलवाड़ा, जोधपुर एंड लॉट ऑफ जस्ट लाइक दिस एंड बाहर से बहुत ही कम स्टूडेंट्स का रुझान रहता है ऐसे कॉलेजों की तरफ। इसके साथ ही बिहार वगैरह के भी काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखे गए हैं और उतना ज्यादा एक्सपोजर हमें नहीं देखने को मिला। इसके साथ ही अगर रेटिंग्स की बात की जाए, क्लासेस अभी तक ठीक चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर के हिसाब से नहीं है, हालांकि बहुत सारे इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना बेड़ा पार कर रहे हैं। उनके पास ना कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ना कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं है। एक क्लासरूम होता है जहाँ पे बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं, प्रोफेसर आता है और वो जो है प्रोजेक्टर के ऊपर बच्चों को पढ़ाता है। बहुत बार तो कॉलेजों के अंदर प्रोजेक्टर भी नहीं देखने को मिलते हैं। हालांकि कॉलेजों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेटा जो कंपनी है उसके 3 प्रोडक्ट चलते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और आप अगर बच्चे हैं तो मुझे पता है तुमको बहुत बड़ा एडिक्शन है भाई। हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम रील्स आप जैसे स्क्रॉल करते हैं, आपने देखा होगा आपका अटेंशन रेशियो काफी ज्यादा घटता जा रहा है। सिर्फ 3 सेकेंड या 2 सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड स्टूडेंट का अटेंशन रेशियो है, जिसके कारण जो है स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते हैं क्लासेस के अंदर। हमारे माइंड के अंदर जैसा कि डोपामाइन स्रावित होता है, डोपामाइन जो एंजाइम होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसके साथ ही जब हम विजुअलाइज करते हैं किसी चीज़ को और जो हम उसका ऑडियो भी सुनते हैं, तो जो है हमारा माइंड थोड़ा सा उसके ऊपर
फोकस करता है, इसीलिए जब प्रोफेसर पढ़ाता है तो बच्चों का ध्यान नहीं जाता। इसलिए कॉलेजों को टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही जो है बहुत सारे लोग वीआर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ एआई एंड वीआर टेक्नोलॉजी। इसलिए जो भी कॉलेज अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं देन डेफिनेटली उनको वीआर और एनिमेशन फील्ड की ओर बढ़ना चाहिए। और अगर बच्चों को अच्छे से अच्छा आप लोग समझाना चाहते हैं फॉर ऑल द कॉलेजेस, कोई भी अगर फैकल्टी अगर इस वीडियो को देख रहा है देन आप जो है एनिमेशन पे जरूर से फोकस करें, ताकि जो है बच्चों को विजुअलाइज करके समझने में आसानी हो और आपकी कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। काफी सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि भैया हमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे हमारे टीचर है गुप्ता जी ही हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं और गुप्ता जी ही हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये इसी कॉलेज का नहीं और भी बहुत सारे कॉलेजों के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे टीचर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये देखने को मिलता है, एकेडमिक्स के काम भी टीचर्स को कराना होता है और बच्चों को भी पढ़ाना होता है। इसके कारण जो टीचर्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, इसीलिए जो एजुकेशन के अंदर जो प्रोफेसर है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर बन के रह चुका है। यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, टीचर लेके आते हैं कि भैया तेरे को हम 50,000 रुपये देंगे, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका अटेंडेंस भी तुम्हें देखना है, एकेडमिक्स का भी तुम्हें देखना है, एडमिशन के प्रचार के लिए भी तुम्हें जाना है, सारा का सारा काम बस एक प्रोफेसर पे ही थोप देते हैं। अगर वो मना कर देता है तो भाई निकल यहाँ से, और बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको हम ले आएंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसा बहुत सारी जगह देखा गया है। इसके साथ ही अगर प्लेसमेंट सेशन की बात की जाए, दिस इज अ नॉर्मल प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 2 से 3 LPA, हालांकि कुछ कंडीशन के अंदर हाईएस्ट प्लेसमेंट भी बहुत बार देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात की जाए तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी पेटीएम, विप्रो, टीसीएस जैसी काफी अच्छी अच्छी कंपनीज यूनिवर्सिटी का यह दावा है कि यहाँ पे विजिट करती है, हालांकि स्टूडेंट्स की ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे कि इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हालांकि हो भी सकता है ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस, हम इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते। इसके साथ ही अगर टीचर्स एंड क्लासरूम्स की बात की जाए, दिस इज वेल एंड गुड। इसके साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात की जाए, COVID-19 के बाद में बहुत सारी जगह पे इसके अंदर बहुत ज्यादा मंदी देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो है इंक्यूबेशन सेंटर देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आपका आइडिया अच्छा है तो हो सकता है आपको एंजल इन्वेस्टर एंड VCs की तरफ से फंड भी मिल सकता है, अगर आपका अच्छा आइडिया है तो, बिकॉज द फ्यूचर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स रिवॉर्ड वीक आई वॉन्ट टू बिकम ए फाउंडर एंड ए एंटरप्रेन्योर, सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप लोगों को चेक करना कि हमारे कॉलेज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है कि नहीं है, तो इस कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो हो सकता है आपके आइडिया को स्टार्टअप को फंडिंग जरूर से मिल जाए। तो यार यही था, कोई और बहुत बड़ा कोई कॉलेज नहीं है ये, एंड ऑलमोस्ट अभी तक तो राजस्थान के बच्चे ही पढ़ाई करते थे, बाहर से लौट तो बच्चे नहीं आते थे, ना ही उतना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इन कॉलेजों का, और प्रोफेसर भी ठीक है, एनवायरनमेंट भी ठीक है, हालांकि CUET के अंदर इस बार इसको रजिस्टर किया जाएगा तो लॉट ऑफ स्टूडेंट आ सकते हैं अदर अदर जगहों से, अदर अदर जस्ट लाइक स्टेट से, जैसे कि बिहार के लॉट ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया एंड वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, एंड पंजाब के तो ऑलमोस्ट सारे कनाडा जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। और यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को यही आती है कि भैया मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छा मैं कोर्स कंप्लीट करूं, हालांकि इसके लिए आप लोगों के पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी बात मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, दिस इज कंप्लीटेड रिवॉर्ड बाई A+ degree अवॉर्डेड, जो कि काफ़ी कम कॉलेजों के पास होता है, और इसके पास भी A+ का अवॉर्ड है, डिग्री है, या फिर इसको एक रिवॉर्ड बैक माना जाता है, बहुत सारे कॉलेजों के पास ये अवेलेबल होता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ही मिलता है। तो बेस्ट ऑफ लक, दिस इज एन ऑलमोस्ट वेरी गुड कॉलेज। आपको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं, सारे के सारे कोर्सेस एंड रिव्यूज एंड अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की सारी जानकारी को मद्देनजर रखते हुए बाद में ही एडमिशन लेने का डिसीजन लें। इसके साथ ही आपको और भी कोई क्वारी हो रिगार्डिंग द कॉलेजेज कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए हमारे मार्क्स के हिसाब से, या फिर फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज EI VR एंड लॉट ऑफ
EI बेस्ड कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एक बहुत अच्छे कॉलेजों में, देन आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं collegejankar.com पे। धन्यवाद।